नमस्कार, आप देख रहे हैं navbharattime.com। मैं हूं तरुण वाजपेयी। आईपीएल के 13वें सीजन का लीग चरण अब खत्म हो चुका है। 56 मैचों के बाद हमको मिल चुकी हैं चार टीमें जिन्होंने बनाई है प्लेऑफ में जगह। मुंबई इंडियंस रही है टॉप पर, रिकॉर्ड चार बार की चैंपियन। अपने पहले खिताब की तलाश में जुटी हुई दिल्ली कैपिटल, श्रेयस अय्यर की टीम, वो रही है नंबर दो पर। तीसरे नंबर पर रही है सनराइजर्स हैदराबाद, डेविड वार्नर की टीम। और चौथे नंबर पर है टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस लीग चरण में कुछ ऐसे अनकैप प्लेयर जिनको अभी तक नेशनल टीम इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका नहीं मिला है, उन्होंने काफी प्रभावित किया है। तो इस चर्चा को बढ़ाने के लिए चर्चा में मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आखिरकार चार टीमें तय हो ही गई। सर, चार प्लेऑफ की टीमें तो मिल गई, लेकिन पांच अनकैप प्लेयर्स भी ऐसे आपको बताने हैं। हमारे दर्शक इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से अनकैप प्लेयर्स हैं जिनको आगे आने वाले वक्त में टीम इंडिया में जगह मिल सकती है, मतलब पूरे संभावित हैं उनकी जगह पक्की समझी जा रही है। देखिए, बड़े खिलाड़ी, बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आए हैं, बट जो कंसिस्टेंटली, जो लगातार जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, टैलेंट तो बहुत सारे हैं, ये तो दिखा है भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं रह गई है। बट सिर्फ पांच का नाम अगर हम लेना चाहते हैं, आप पूछ रहे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम बात करें तो दो खिलाड़ी जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और कमाल का खेल दिखाया इस बार, वो उसमें मैं ईशान किशन का नाम लेना चाहूंगा और देवदत्त पट्टिकल का नाम लेना चाहूंगा। देखिए, इन दोनों यंगस्टर्स ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और दोनों की उम्र काफी कम है, 20 साल 22 साल के ये प्लेयर है और भविष्य है इनका, क्योंकि ये टैलेंटेड तो थे और हैं और लगातार इनकी चर्चा होती रही। ईशान खासतौर पे जब अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, 2016 से ये सुर्खियों में है, बट अब इन्होंने खुलकर, मतलब जो उभार आया इनके टैलेंट का सामने दिख रहा है। दो नाम तो ये है, देवदत्त पट्टिकल भी वैसे ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, कर्नाटक के है। और तीसरा नाम में मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव एकलौता नाम समझ में आता है, और उसके बाद एक ऑलराउंड पैकेज की बात करें तो फिर राहुल तेवतिया उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा। और स्पिनर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती हैं, हालांकि कुछ पेस बॉलर्स ने भी अच्छा दिखाया है, शिवम मावी भी हैं और नागरकोटी भी है, कार्तिक त्यागी भी है, तीनों अंडर 19 क्रिकेट की देन है। बट फिलहाल मैं इन पांच खिलाड़ियों का नाम लेना चाहूंगा कि जो एक तो वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम में जगह बना ली है, अब खेलते हैं कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके टीम में उनको रखा गया है तो उनका नंबर आता है कि नहीं प्लेइंग 11 में, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आना चाहिए क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन बाकी जो नाम मैंने लिए ये आज न कल मुझे लग रहा है कि इनको याद किया जाएगा, इनके टैलेंट को सलाम किया जाएगा और इनको मौका मिलेगा। तो सर, आपने बताया जैसे वरुण चक्रवर्ती को तो इनाम मिल गया ना, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में जगह मिल गई है, और मुझे लगता है पूरी उम्मीद भी है कि उनको, जैसे आपने कहा कि उनको प्लेइंग 11 में जगह भी मिल सकती है। आप अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो सर, देवदत्त पड़िक्कल और ईशान किशन के बारे में अभी हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि उनको जल्दी ही टीम इंडिया में जगह मिलेगी, तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत हैं हरभजन सिंह के विचारों से? बिल्कुल। देखिए, जो हमने नाम लिए इनमें से, देखिए ईशान किशन या देखिए वरुण चक्रवर्ती की मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती, सभी जब इनका पहली बार चुनाव हुआ था, मतलब आईपीएल की टीम में इनको रखा गया था, उस समय तमिलनाडु की ओर से सिर्फ एक मैच वो खेले थे और उसमें भी सिर्फ एक विकेट लिया था। बट बावजूद इसके 2018 में 2019 के लिए जो टीम चुनी जा रही थी, ऑक्शन हो रहा था, वहां पर इनके नाम पर घमासान हो गया। 8 करोड़ 40 लाख में इनको खरीदा गया, किंग्स इलेवन ने उनको अपनी टीम में रखा। अब ये लोग चर्चा करने लगे कि भाई इनमें है क्या, ये कभी खेला नहीं, नाम सुना नहीं, कुछ लोग क्रिकेटिंग सर्कल में नाम सुना था इनका, बट ये कहां से आ गया, क्यों इतने पैसे खर्च कर दिए। और हैरानगी तब हुई जब इनको सिर्फ एक मैच में उतारा गया, एक मैच खिलाया गया, 8 करोड़ 40 लाख रुपए दे के उनको बेंच पर बिठाए रखे, और जिस एक मैच में उनको खिलाया
कोलकाता नाइट राइडर्स के, अब वो कोलकाता में है बट उन्होंने वही मैच उनके अगेंस्ट में खेला और एक मैच में अब 3 ओवर किए और 35 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था, तो और उसके बाद उनको बेंच में बिठाए रखा और अगले सीजन में खिलाया भी नहीं, उनको रिलीज कर दिया, ऑक्शन में फिर भेज दिया कि हम इनको रखने नहीं चाहते। तो आप देखिए कि 8 करोड़ 40 लाख रुपए का वो 1 विकेट था। अब ये इतने खराब प्रदर्शन के बाद उस खिलाड़ी पर कोई फिर से पैसे नहीं लगाना चाहेगा, लेकिन कमाल की बात देखिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको 4 करोड़ रुपए दिए, फिर खरीदा उनको, और लेकिन इस बार उनको लगातार खिलाया, मौके दिए, और उसका नतीजा देखिए कि उन्होंने इस सीजन में 13 मैच खेल के और उन्होंने लगातार मतलब अगर 14 मैच टोटल खेले टीम ने, 14 में 13 में उनको मैदान पर उतारा और फिलहाल 17 विकेट उनके नाम है, 17 विकेट उन्होंने लिए। जहां तक इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमी भी एक स्पिनर की इकोनॉमी इस फॉर्मेट में अगर 7 से नीचे है, 6.8 है, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो ये टैलेंट था और एक लौते शायद बॉलर है इस आईपीएल में इस सीजन में कि 5 विकेट लिए उन्होंने, 5 विकेट का हॉल उनके नाम है, 5 विकेट एक मैच में लिया और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स का जहां तक मुझे याद है उसके खिलाफ और एक तरह से किसी को भी खेलने नहीं दिया अपने अगेंस्ट में। तो ये एक बॉलर है, एक इनके साथ माइनस पॉइंट कह सकते हैं, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से 29 साल के हैं, 29 ईयर्स के हैं ये, और इनको मौका मिला है तो जैसा आप कह रहे हैं मुझे, मैं भी सहमत हूँ, ये उनको मौका दिया जाएगा। आर्किटेक्ट है प्रोफेशन बाय प्रोफेशन और कमाल का इनका एक रहा है क्रिकेटिंग करियर, कि एक 13 साल की उम्र में वो खेलना शुरू करते हैं जिद करके और 4 साल ट्राई करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे, बार बार रिजेक्ट होते हैं, फिर फैमिली वाले कहते हैं कि तुम बॉलर बन जाओ, ट्राई करो, फिर वो आर्किटेक्ट बनते हैं, 24-25 की उम्र में दोबारा खेलना शुरू करते हैं, मीडियम पेसर बनते हैं और उसके बाद वहां पर उनके नी में इंजरी होती है, लेकिन जज्बा देखिए वो लगे रहते हैं और अब उसके बाद स्पिनर बनने की सोचते लास्ट में। फिर उन्होंने जब आप 26 साल की उम्र में आप स्पिनर बनना चाहते हैं तो आपकी आप अगर फिंगर स्पिनर बनना चाहें, उंगलियों में आपको उस तरह की लोच या कलाई में लोच नहीं मिलेगी, उंगलियों से उस तरह की सहायता नहीं मिलेगी कि आप टेंडर एज में शुरुआती एज में अगर करते होते, लेकिन उन्होंने एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर अपने आप को डेवलप किया और आज भारतीय टीम में है और ये कैप प्लेयर बनेंगे, मुझे लग रहा है वहां उनको एक आधी मैच में जरूर मौका मिलेगा। अब यहां तक तो मैं देख रहा हूं कि ये एक टैलेंट सामने आ गया। अब दूसरे की आप जो कह रहे हैं ईशान किशन की जो बात हम कर रहे हैं, ईशान किशन मूल रूप से बिहार के हैं लेकिन वो झारखंड से खेले, क्योंकि बिहार की टीम बहुत दिनों से रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रही थी और झारखंड बिहार जब से अलग हुए झारखंड की टीम लगातार खेलती रही, तो वहां से उनको मौका मिला, वहां से वो खेले, अंडर 19 इंडियन टीम के कैप्टन रहे और टैलेंट तो था उनमें। देखिए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार उनको खिलाया गया है, अराउंड 40+ वो मैच खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वहां पर भी उनकी 5-6 सेंचुरीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्टर फॉर्मेट में, वाइड बॉल फॉर्मेट में इन्होंने इंप्रेस किया है, T20 में उनके नाम 2-2 सेंचुरीज हैं, तो ये टैलेंट तो था ही, लेकिन इस बार उनको जो मौका मिला इन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। आप देखें कि इनके कैप्टन जो है रोहित शर्मा इंजर्ड थे, तो ऐसी स्थिति में इनको ऊपर खेलने का मौका मिला और जब खेलने का मौका मिला तो इन्होंने दोनों हाथों से लपका, प्रेशर में नहीं आए कि चलो इतने बड़े प्लेयर की जगह मैं ले रहा हूं, हमारे पर बहुत दबाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वो सिक्स लगाते हैं, छोटे से कद के, इनको पॉकेट डायनामाइट कहा जा रहा है और वो भी बहुत खुश हो रहे हैं अपने इस नाम से, पूछा भी गया कि कहां से इतना आपको वो एनर्जी मिलती है और पावर आती कि आप लंबे लंबे सिक्स मारते, 26 छक्के मार चुके हैं और वो सबसे ऊपर है। देखिए लंबे लंबे कद के, लंबे लंबे अनुभव रखने वाले, हट्टे काटे तगड़े प्लेयर्स तमाम इस आईपीएल में खेल रहे हैं, बट सबसे ज्यादा सिक्स इनके नाम पे है, 26 सिक्स लगा चुके हैं और वो एक उन्होंने बताया कि उनमें कैसे उन्होंने डेवलप किया, चाहे माँ का खाना खाने की बात उन्होंने कही हो या स्ट्रेंथनिंग के जो कोच है उनके सपोर्ट की बात की, तो ये एक टैलेंट है। और देखिए जब हम बार बार बात करते हैं कि
ऋषभ पंत है उभरते हुए एक विकेट कीपर बैट्समैन, हालांकि वो क्विंटन डिकॉक वहां कर रहे थे विकेट कीपर बैट्समैन ये भी है और अच्छे विकेट कीपर भी है, उन्होंने दिखाया है जब जब मौका मिला इनको, और बैट्समैन तो है ही है टॉप ऑर्डर और ओपनर के तौर पे। तो अभी जो समस्या इंडियन टीम के साथ बार बार आती कि भाई आगे का विकेट कीपर कौन है, तो कभी संजू सैमसन का भी नाम आता है, केएल राहुल को अब सिलेक्टर्स उस पर भरोसा दिखा रहा है, टीम मैनेजमेंट भरोसा दिखा रहा है कि वो केएल राहुल ही विकेट कीपिंग करेंगे शॉर्टर फॉर्मेट में, तो उनको ही मौका दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं इनको इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है इस बार अपना खेल, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये भी भारतीय टीम में जगह बनाएंगे। आज न कल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि वो भी भारतीय टीम की ओर से खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सफल इस बार इनका आईपीएल रहा है, 400 प्लस रन रहे हैं, अब स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहा 140 के आसपास का, बहुत ही अच्छी अच्छी इनिंग्स के लिए उन्होंने 26 छक्के मारे हैं मैं कह रहा हूं, तो ये भी एक कंप्लीट पैकेज है, इनको आने वाले समय में जरूर कम से कम T20 फॉर्मेट में कभी मौका मिलेगा। तो सर ये तो ईशान ये है कि उनको तो मौका मिल सकता है। एक और इनके साथ ही खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव को पहले भी माना जा रहा था कि टीम इंडिया में जगह बना लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा मौका मिला नहीं। 30 साल उम्र हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव के साथ ईशान किशन ने इस सीजन में एक और रिकॉर्ड भी बनाया है, वो एक ही टीम के लिए 400 से ज्यादा रन बनाने वाले दो अनकैप्ड प्लेयर्स पहली बार हुए हैं, वो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन है। तो क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव को अब तक मौका ना मिलना शायद ज्यादती है? देखिए जैसा मैंने कहा, सूर्य कुमार यादव जिस जगह पे खेलते हैं वो बहुत सारे वहां पर दावेदार हैं, तो ऑलरेडी अगर आपकी टीम में बहुत सारे दावेदार हो उस पोजीशन पे हो जहां पे आप खेलते हैं, फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है मौका, और आपको इंतजार करना पड़ता है कि या तो कोई इंजर्ड हो या फिर बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तब आपको मौका मिले। सूर्य कुमार यादव के साथ यही रहा है। देखिए उन्होंने खेलते रहे हैं, वो आईपीएल पहले से खेलते रहे हैं, लगातार अच्छा भी किया है, लेकिन पिछले खास तौर पे मैं पिछले सॉरी सीजन की बात करना चाहूंगा, लगातार उन्होंने 400 प्लस रन बनाए और अब ये सवाल उठता है कि अब मौका नहीं तो कब। तो एक वो भी एक अनलकी प्लेयर है जिनको लगातार खेलने के बावजूद मौका नहीं मिला है, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार मुझे मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, एक बार कुछ यंगस्टर्स को बता रहे थे सनी गावस्कर, किसी ने बोला कि मेरे सेंचुरी दो बनाई सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने बोला कितने विकेट लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि यू डोंट हैव टू नॉक एट द डोर ऑफ द सिलेक्टर, यू हैव टू नॉक डाउन द डोर, दरवाजे पर दस्तक मत दो सिलेक्टर्स के, बल्कि दरवाजा ही गिरा दो इतना अच्छा खेलो। तो ये हुआ है, सूर्य कुमार यादव उन खिलाड़ियों में जिन्होंने एक तरह से सिलेक्टर्स का दरवाजा गिरा दिया है, अब सिलेक्टर्स को बाध्य कर रहे हैं, देखना है कब मौका मिलता है इनको। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं और दमदार प्रदर्शन किया, एक ऑलराउंड पैकेज, जैसे भी आपने बोला कि एक ऑलराउंड पैकेज है, तो राहुल तेवतिया से क्या उम्मीद की जा रही है? हरियाणा के लिए खेलते हैं, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में टीम इंडिया के लिए जगह बना लेंगे टीम इंडिया में? उनकी भी उम्र क्योंकि कम नहीं है, 27 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। हाँ, लेकिन हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। अब पहले कहते थे कि आपकी उम्र इतनी हो गई, अब देखिए वरुण चक्रवर्ती एक उदाहरण, 29 प्लस उनकी भी उम्र हो गई, अब उनको मौका मिल रहा है। तो आप टैलेंट, दो बातें होती है, एक तो आपके पास टैलेंट है, दूसरा आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, और तीसरा जहां पे जिस पोजिशन पे आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं वहां पर कोई वैकेंसी भी हो। ऐसा भी होता है कि आप बहुत टैलेंटेड है बट वो वैकेंसी वहां नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब देखिए राहुल तेवतिया स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती भी स्पिनर है, वो राहुल तेवतिया स्पिन बॉलर भी है और बैट से भी दिखाया उन्होंने कि मैच विनर वो किस तरह से हो सकते हैं, लंबे लंबे सिक्स लगा सकते हैं, एक आधी सिक्स मारना दो सिक्स मारना, बट लगातार उन्होंने मार के दिखाया है। और कई बार हम कहते हैं कि फिनिशर हो जहां पे आए और रन कुछ बनाए, और चाहे वो पहले आप बैटिंग कर रहे हो या फिर बाद में बैटिंग कर रहे हो चेज कर रहे हो, तो वो उन्होंने दिखाया उनमें वो प्रतिभा है। और जब इतने बड़े बड़े बॉलर्स खेल रहे हैं तो वो सबको फेस किया उन्होंने और सबके अगेंस्ट में रन बनाया है, तो निश्चित तौर पर उनमें प्रतिभा तो है। लेकिन वही मैंने कहा, देखिए
पुराने समय की अगर बात करें तो भूषण सिंह बेदी खेलते थे और उन्हीं तरह के दो स्पिनर राजेंद्र गोयल थे और पद्माकर शिवालकर थे जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टॉलवर्ड्स थे। रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड्स राजेंद्र गोयल के नाम हुआ करते थे और बेदी भी कहते थे कि ये बहुत प्रतिभावान है, कई बार मेरे से अच्छे भी वो है ये कहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पे वो वैकेंसी नहीं मिली, वहां पे लोग हटे तो फिर उनके बाद मनिंदर सिंह आ गए, लाइन में खड़े थे, तो इस तरह से मौका मिला नहीं। तो यही वजह है कि इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं लक फैक्टर कह सकते हैं कि वहां पे जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो टीम में वैकेंसी नहीं थी, बट प्रतिभा तो है, उन्होंने करके दिखाया, बस अब वो मौका मिलने वाली बात है। तो देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन खिलाड़ियों को मौका मिले, जैसे वरुण चक्रवर्ती को जगह मिली, उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब प्लेइंग 11 में अपनी जो जगह है वो पक्की कर पाएंगे। तो और बाकी जो देवदत्त पड़िक्कल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और राहुल तेवतिया, उम्मीद है कि इनको भी जल्दी ही टीम इंडिया मौका मिलेगा। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और अपने दर्शकों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सभी खेल की तमाम जानकारी के लिए navbharattime.com पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ऐप इंस्टॉल करिए और तमाम खबरें जो है वो पढ़िए। शुक्रिया, नमस्कार।